मैं तो बलूनी जी आपका अभिनंदन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपने यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी 5 रेल रोकने का काम किया, जनता के मनोबल को और बढ़ाया। मैं इसलिए भी आपका विशेष अभिनंदन नहीं कर रही कि आपने डॉपलर रडार की व्यवस्था और सांसद निधि के माध्यम से ICU की व्यवस्था की। मैं तो आज कंडोलिया मंदिर के सानिध्य में ये प्रार्थना करने आई हूँ, भाई के माथे पर विजय श्री का तिलक लगाने आई हूँ, जिसने जिसने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जो आदेश दिया उस आदेश का पालन किया, नियम के पथ पर चल के गौरव बढ़ाया संगठन का, और आज उसका परिणाम है कि निशंक जी, तीरज जी और स्वयं धामी जी यहाँ विद्यमान हैं कि आपके नामांकन की इस शुभ बेला पर आपको आशीर्वाद दें। चुपचाप धंधा एक कोने में बैठे हैं। मेरे 25 साल के राजनीतिक इतिहास में 20 साल तो ऐसे बीते जब धंधा ने मुझे पौड़ी हो, गढ़वाल हो या उत्तराखंड की कोई भी पहाड़ हो, कोई भी घाटी हो, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी गांव हो, हर जगह पर कार्यकर्ता के नाते अपने सानिध्य में मुझसे काम करवाया है और आज शांति से एक मुद्रा में यहाँ पर धंधा बैठे हैं। मैं कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी वो पार्टी है जिसमें 2 सांसद होते थे और इस पार्टी के बारे में आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते मेरा ये गौरव है कि नागरिक कह रहा है अब की बार। और ऐसा नागरिक क्यों कह रहा है?